हेलो, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे तीसरे फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज आइलर फॉर्म। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने पोलर फॉर्म डिस्कस किया था। तो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्री फॉर्म्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द नंबर वन, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म दैट इज जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ओके, सो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज द कार्टेशियन फॉर्म, वेयर वी हैव सीन ऑल द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन। ओके, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ऑल दोज ऑपरेशन वी हैव सीन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, एंड दिस इज पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म एस्टरडे वी डिस्कस दैट जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर, दैट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के। इससे वी कैन फाइंड आउट द आर, एंड थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ जेड। सो वेन एवर आर्गूमेंट ऑफ जेड इज रिटर्न, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर, बिकॉज अगर मेंशन नहीं किया है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। अदरवाइज यू कैन राइट थीटा प्लस टू एन पाई, बिकॉज आर्गुमेंट ऑफ जेड इज अ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन। सो वेन एवर वी एड और सब्ट्रैक्ट टू पाई, यू विल कम टू दी ओरिजिनल पोजिशंस। ओके, बिकॉज ऑफ दैट दी आर्गुमेंट ऑफ जेड इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। बट वेन एवर आर्गुमेंट ऑफ जेड इज रिटन, दैट मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड विच इज लाइंग बिटवीन माइनस 180 डिग्री टू 180 डिग्री वी कंसिडर। ओके, अनलेस एंड अंटिल अगर मैंशन नहीं किया है तो फाइन। सो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ जेड एंड इट्स आर्गूमेंट, सो जेड इक्वल टू आर इन टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, विच इज पोलर फॉर्म, एंड दिस इज यूज टू फाइंड द पावर ऑफ जेड। ओके, पावर ऑफ जेड यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस पोलर फॉर्म, राइट? सो वी कैन नाउ फाइंड आउट एनी पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, इजीली वी कैन फाइंड आउट। इन फैक्ट विद द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर, जेड क्यूब, जेड फोर, जेड हंड्रेड, जेड थाउजेंड, वॉट एवर द पावर, वी कैन नाउ इजिली फाइंड आउट बाय यूजिंग द पोलर फॉर्म। वी विल सी, वी हैवन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट, बट वी विल यूज द डी मोर्स थ्योरम्स टू फाइंड आउट the power of z, any power of z, we will see after this Euler form lecture, right? So now come to the third form, that is Euler's form. So what is Euler form? Z equal to r into e I ki power theta. Okay, this is Euler form. So this Euler form of complex number, again you can see, is in terms of the modulus. Okay, and theta, which is argument of z. Argument of z, unless and until mentioned nahi kiya hai, principal value of argument of z. Okay, I am stating this sentence many times because this is very important. यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो जब तक मेंशन नहीं किया आर्गुमेंट ऑफ जेड प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करेंगे, अदरवाइज यू कैन राइट थीटा एज थीटा प्लस टू एन पाई, दैट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइन। So the Euler form also, we are having the complex number in terms of the modulus of z and argument of a z. What is e there? Now what is e to the power I theta? Now e to the power I theta, cos theta plus I sin theta. So e to the power I theta is in fact cos theta plus I sin theta. This is a unimodular complex number. This is a unimodular complex number, correct ki nahi? Yes. अगर cos theta plus I sin theta हमने देखा है कि ये always unimodular complex number होता है, so e to the power I theta will always a unimodular complex number. Unimodular complex number है मतलब अगर complex plane में जाएंगे तो एक circle consider करेगा, ठीक है? यहाँ पे ये कोई complex number है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका साइन थीटा हो जाएगा,
और इस जो पॉइंट्स की बात या ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे जिसके भी कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और साइन थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा और साइन थीटा, तो ये आर्गन प्लेन में ये यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक्चुअली में हो जाएगा ई की पावर आई थीटा। अब ई की पावर आई थीटा है मतलब आपका थीटा जो है, देख लीजिए वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, थीटा को मैंने आर्गुमेंट ऑफ जेड लिया है। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है बिकॉज ऑफ दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस ई टू द पावर आई थीटा इज ऑलवेज अ यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द आइलर फॉर्म दैट इज जेड इक्वल टू आर ई टू द पावर आई थीटा, फाइन। नाउ व्हाट इज ई हियर? ई इज दैट इरेशनल नंबर व्हिच इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, ओके, व्हाट वी यूज इन नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में हमने लॉग का जो बेस लिया था वो दिस ई लिया था, करेक्ट है कि नहीं? दैट ई इज एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, सो दैट इज ई देयर, ओके। सो द जेड इक्वल टू आर ई टू ई टू द पावर आई थीटा इज आइलर फॉर्म वेयर आर इज द मॉडुलस ऑफ जेड एंड थीटा इज ऑफ कोर्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड अनलेस एन अल्टी मेंशन नहीं किया है तो। ई टू द पावर आई थीटा इज इनफैक्ट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। So the important point here, look at the polar form and Euler form. Both forms are in terms of the modulus of z and argument of z. Okay, so they are very similar. So as I said that the polar form is mainly used to find the any power of a complex number. Okay, so hence we can also use this Euler form to find out any power of complex number. That will be easy. Okay, but the main use of Euler form is to find out the logarithm of complex number. So we will use this to find logarithm, log of complex number. We will see in this lecture itself, we will see how to find out the log of complex number. So now you can see that each and every algebra what we learned there in the real number system, we are studying over here also in the new system, that is in the complex number system. All the laws which we studied in the real number system, all the algebra, basic operations, what we learned in the real number system, now we are learning in the new system, that is complex number system. इसलिए मैंने starting में बोला था कि सारा का complex number ही क्यों complex लगता है बच्चों को, because वो जितने भी आपने अभी तक के रियल नंबर सिस्टम में ज्योमेट्री और ऑपरेशंस और अलजेब्रा पढ़ा है वो सब आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है। तो सी यहाँ पे हमने वो ऑपरेशन देखे थे, फिर यहाँ हमने जेड की पावर निकालने का अभी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की है, डिमोर्स थ्योरम में करूँगा, इसको भी जेड की पावर निकालने का यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका मेन यूज एज आई सेड इज यूज टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब वी कैन फाइंड आउट द लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इजीली when the complex number is written in terms of Euler form. Okay, so अब यहाँ e to the power i theta cos theta plus i sin theta जो कि एक unimodular complex number है, ये r e i theta है, तो दूसरा जो complex number conjugate को हम represent करेंगे, तो conjugate को जब represent करेंगे मतलब z conjugate, तो ये r e की power minus i theta होगा, e की power minus i theta. अब वी हैव कम अलॉट, बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग, तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉडुलस आर होगा और उसका जो आर्गुमेंट है वो माइनस थीटा होगा, करेक्ट है कि नहीं? आर इंटू ई की पावर माइनस आई थीटा, सो द आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस थीटा, दैट इज वी आर मेजरिंग दैट एंगल विद इन clockwise direction, right? Fine. So, dear students, this z equal to r into e ki power I theta and z bar equal to r into e ki power minus I theta. This is the Euler form of complex number where e to the power I theta is cos theta plus I sin theta. So, therefore, e to the power minus I theta minus theta is the argument. So, cos of minus theta plus I into sin of minus theta. So cos of minus theta, there is no problem, only simply cos theta, minus will come out, so I sin theta. So this is e to the power minus I theta. And of course cos theta minus I theta
theta is again a unimodular complex number. So modulus of e to the power minus I theta is 1. So whatever be the theta, e to the power I theta is always a unimodular complex number. Please make the note of this sentence. What I said, that whatever be the theta, the e to the power I theta is always a unimodular complex number, as well as e to the power minus I theta is always a unimodular complex number. A unimodular complex number is, so for example, e to the power I theta for a particular value of theta either will come to the 1 or minus 1 or plus I or minus I, because I or minus I ka modulus 1 aata hai. 1 or minus 1 ka modulus 1 aata hai. So when we write this Euler form, e to the power I theta for the particular theta, for example pi by 2, then that will come to the standard form of complex number, that is the Cartesian form of complex number. So in Cartesian form, that will come to be the I minus I 1 or minus 1. So that, as I said, that these are unimodular complex number. When I ka modulus be 1, minus I ka bhi modulus 1, 1 ka bhi modulus 1, minus 1 ka bhi modulus 1. So abhi aap kya kar lijiye, please note all these things so that we can continue. Okay, fine, make the note of all those things. Okay students, now we will solve some problems, general problems, very simple problems, and then we will come to the logarithm of complex number. So the first one is e to the power I pi by 2. As I said, that whatever be the argument of z, this is always a unimodular complex number, and that will be coming to be either plus I minus I, plus 1 or minus 1. Okay, fine. This is e to the power I pi by 2, so therefore this will be cos pi by 2 plus I sin pi by 2. Correct, cos pi by 2 is 0 and this will be 1. So finally this is I. Correct? So EI pi by 2 is I. And therefore, ye to clearly is I ka modulus, that is 1. Correct? Okay. Similarly, you can find out e to the power minus I pi by 2, that will be cos minus pi by 2 plus I sine of minus pi by 2. Correct? Okay, so that will be 0 and this will come to be minus I. So that is equal to minus I. And therefore, e to the power minus I pi by 2, that is minus I, that is equal to 1. Fine. Now come to the Euler's identity. Euler's identity. Okay. Now e to the power I pi, that can be find out as cos pi plus I sin pi, isn't it? And cos pi is minus 1, where sin pi is 0, so that will be minus 1. So dear students, e to the power I pi minus 1, just take this side, so e to the power I pi plus 1, that is equal to 0, is termed as a Euler's identity. This is Euler's identity. E to the power I pi plus 1 equal to 0 is Euler's identity. So very simple to calculate this e to the power I pi by 2, e to the power minus I pi by 2, e to the power I pi. And I said that these are always a unimodular complex number, and the value coming to the complex number in the standard form either plus I or minus I or plus 1 or minus 1, purely real or purely imaginary. Right, fine. So just make the note of this. We will move forward to the next problem. Okay, fine, next problem pe aate, fourth one pe. So the fourth one is find real part of e to the power e power I theta. अभी e की पावर में वापस e की पावर I theta है, and we have to find out the real part.
फाइन, तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, करेक्ट है? सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे अब आ करते हैं e की पावर आई थीटा, दैट विल बी e की पावर, ये तो हो जाएगा बेटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, करेक्ट है कि नहीं? नाउ यूज द लॉज ऑफ इंडाइसेस, व्हेनेवर दिस इज देन यू कैन राइट इट एज ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर आई साइन थीटा. सी नाउ दिस इज रियल नंबर, राइट? एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके? सो ई टू द पावर आई साइन थीटा अगेन वी कैन राइट एज ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू आई साइन थीटा मीन्स कॉस ऑफ साइन थीटा, बिकॉज दिस साइन थीटा इज आर्गूमेंट नाउ, आर्गूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट? दिस साइन थीटा इज आर्गूमेंट ऑफ जेड, सो दिस इज कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस आई साइन ऑफ साइन थीटा, वॉट एवर बी द आर्गूमेंट ऑफ जेड, दिस इज कमिंग टू बी ऑलवेज अ यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, माइंड इट, ओके? फाइन. सो नाउ दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयरफॉर द रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा, ये रियल पार्ट हो जाएगा मल्टीप्लाइड, ओके? सो ई टू द पावर कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा, दैट इज द रियल पार्ट, प्लीज नोट इट. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है? देन इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ ई टू द पावर आई ए इंटू ई टू द पावर आई बी इंटू ई टू द पावर आई सी. अब इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं. सो ई टू द पावर आई ए इंटू ई टू द पावर आई बी इंटू ई टू द पावर आई सी दिया हुआ है. सो बाई यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस, ई टू द पावर आई ए इंटू ई टू द पावर आई बी इंटू ई टू द पावर आई सी, सो सिंपली जस्ट यूज द लॉज ऑफ इंडाइसिस, दैट विल बी ई टू द पावर आई इंटू ए प्लस बी प्लस सी. So this will be e to the power I pi, isn't it? Why? Because a plus b plus c is pi. जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो ट्राइंगल में स्टैंडर्ड नोटेशन में a वर्टेक्स के सामने a वर्टेक्स का जो एंगल होता है उसको कैपिटल A से ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये एंगल है a, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c, that will be pi. So e to the power I pi, that we know the value is minus 1. So therefore the value of this e to the power I a into e to the power I b into e to the power I c is minus 1. In fact that is the क्या बोलेंगे आप इसको, Euler's identity, ठीक है? Euler's identity, ठीक है, नोट कर लीजिए. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहा हूं मैं. इसमें कैसे कैसे ट्विस्ट आ रहे हैं इस प्रॉब्लम्स में वो चेकआउट कर रहे हैं. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है उसको चेक करते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको z इक्वल टू आर ई की पावर आई सी था, ठीक है? देन फाइंड मॉडुलस ऑफ ई की पावर आई जेड. अब ई की पावर आई जेड है और जेड ये है, तो पहले तो आई जेड निकाल लो. आई जेड क्या होगा, आई इंटू आर ई की पावर आई थीटा, ठीक है? तो ये हो जाएगा आई इंटू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आर कॉस थीटा आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस आर साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है? तो अब ये ई की पावर में आई जेड में है, तो अब क्या करेंगे, e की पावर आई जेड आ जाते, e की पावर आई जेड क्या हो जाएगा, e की पावर आई आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा. यूज द लॉज ऑफ इंडाइसेस, सो दैट कैन बी रिटन एज e टू द पावर आई आर कॉस थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा. अब ये क्या है, देर इज नो आई, सो दिस इज सिंपली अ रियल नंबर,
This is simply a real number, and this is our unimodular complex number. So whenever we will take the e to the power iz modulus, so that will be modulus of e to the power ir cos theta into e to the power minus r sin theta. So there is no problem with that. This is always a positive quantity, right? Got the point? So therefore that can be written as e to the power minus r sin theta into modulus of e to the power r I r cos theta, whatever be the argument of complex number. At the moment the argument of complex number is r cos theta. There is no problem with that. This is always coming to be a unimodular complex number. So therefore finally this is e to the power minus r sin theta. Please note it. Now we will see how to find out the modulus of complex number, logarithm of complex number. So students, now we will see how to take the log of complex number. See the complex number z equal to r into e to the power I theta, and we have to find out the log of complex number. As I said that whenever we have to find out the log of complex number, the complex number must be in Euler's form so that we can take the log, and it is very simple. Agar ye logarithm form mein to ye bahut easy ho jata hai. Now see how. So the taking log of z with the base e, okay, find it with the base e. So this will be log of r into e to the power I theta, right? So that is log of r plus log of e की पावर i theta, log of e to the base e की पावर i theta, करेक्ट है कि नहीं? So this is log of r plus i theta only, because log of e to the base e 1 हो जाएगा, i theta सामने आ जाएगा, आप इसको और ऐसे लिख सकते हैं कि step log of e to the base e, log of e to the base e ये 1 हो जाता है, करेक्ट है? हाँ. So therefore this is log of z. So log of z is simply log of r I theta, where r, we know that r is simply square root of x square plus y square. So r is square root of x square plus y square, matlab Cartesian form mein, ordered pair mein, complex number has to be written, okay. Euler form is also there to find out the log of complex number, but the final value we can find out by using the Cartesian form as well, correct? Fine. So dear students, this is r is equal to square root of x square plus y square, and theta is of course argument of z. Either principal value, mind it, either principal value r theta plus 2n pi, ye bhi hum kar sakte hai agar aapko questions kaisa diya hua hai uske upar se. And how we find out the theta, we all know. So this is log of z plus log of r plus I sin theta. Please note, make it. To main ek example deta hu, z equal to 1 plus I, find log of z. तो log of z निकालना है, z equal to 1 plus i है, तो ये हो जाएगा 1, 1, correct है? 1, 1 में है, that means it is lying in the first quadrant में है, तो जो principal value होगी वो as it is आ जाएगी, कोई issue नहीं है. तो अब आते हैं इसमें, तो r की value तो हो जाएगी बेटा square root of 2, और theta हो जाएगा tan inverse of 1, that will be pi by 4, and that is simply the principal value, okay, ये principal value भी है. So therefore this z can be written as root 2 या r into e to the power I theta. तो इसका जो log हमने निकाला था, log of z equal to actually में log of r plus I theta, ये formula हमारा बन गया था. Finally log of r plus I theta हमारा निकल गया था, where r is modulus of that complex number and theta is argument of z, that is the principal value of argument of z. So as this complex number lies in the first quadrant, therefore the theta, that is the argument of z, is itself a principal value. Fine. So therefore that is log of 1 plus iota equal to log of r. R is what? Root 2.
एंड आई थीटा इज वॉट पाई बाई फोर, फाइन ये हो गया, दैट कैन बी वन बाई टू लॉग टू प्लस आई पाई बाई फोर, दैट विल बी द आंसर. एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द लॉग ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट है. एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा. अगर मान लीजिए मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता हूँ, इफ जेड इज समथिंग लाइक दैट, जेड इक्वल टू वन माइनस आयोटा, दैट इज वन माइनस वन, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आर इज अगेन रूट टू, बट दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड, ओके, तो थीटा निकाल लेंगे, थीटा दैट विल बी द टेन इनवर्स ऑफ वन, दैट विल बी पाई बाई फोर, एंड देयर फोर थीटा यहाँ जो होगा वो एक्चुअली में माइनस पाई बाई फोर होगा. What the point? That will be the minus pi by 4 because it is lying in the fourth quadrant. ठीक है, argument का lecture हम last 4 lectures से continue कर रहे हैं, तो अभी कोई इसमें confusion नहीं है कि first quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant में अगर complex number है तो argument कैसे निकालना है, principal value कैसे निकालना है. ठीक है, so that will be the minus pi by 4 straight forward because of this fourth quadrant, right? So find here students, now therefore we can find out the log of 1 minus iota, that will be the log of r plus I theta, that is the formula, correct? Log of r means log of root 2 and this is minus I at the moment pi by 4. So that will be the 1 by 2 log of 2 minus I pi by 4, that is log of 1 minus I. Please make the note of it. Now we will solve two last problems in the logarithm of complex number so that you can find out the log of any complex number like that. So let's see quickly last two problems. The first one is okay, simplify log of 1 plus I plus log of 1 minus I. We have solved these problems at the moment. सभी problems को हमने check out कर लिया है, कैसे इसको करते है, ठीक है कि नहीं. Fine. तो log of 1 plus i अभी आपने देख लिया था, इसका value find out करते हैं. 1 plus i क्या आ गया था बोलो, 1 by 2 log of 2 plus i pi by 4 because of first quadrant ये था, because of fourth quadrant ये क्या बना था, 1 by 2 log of 2 minus i pi by 4, correct है कि नहीं. So that will get cancelled. So this is simply log of 2. This is the simplification answer. Please note it. So it is very simple. And come to the last problem. Find the value of sine of log of I ki power minus I. Okay, fine. Chaliye, next problem karte hai. Next one is find the value of last problem. Find the value of sine of log of I की पावर माइनस आई. ठीक है, साइन ऑफ लॉग ऑफ I की पावर माइनस आई. सो सी, I की पावर माइनस आई ये दिया हुआ है. अब इसको यहां पे E दिया नहीं है कहीं पे भी, आइलर फॉर्म दिख रहा नहीं है. सो व्हाट टू डू, यस I की पावर माइनस आई कैसे करेंगे. तो देखो, आपको अब वो वैल्यूज याद होना चाहिए, e की पावर i पाई बाई टू कितना होता है. तो आपको ये मालूम है कि e की पावर i पाई बाई टू मैं कहता हूं तो ये i आ जाता है. सो जस्ट रिप्लेस है, देयरफॉर i की पावर माइनस i को मैं लिख सकता हूँ e की पावर i पाई बाई टू और इसकी पावर माइनस i. अब ये पावर पावर मल्टीप्लाइड हो जाएंगे तो e की पावर माइनस पाई बाई टू आएगा, करेक्ट है कि नहीं. आई स्क्वेयर सॉरी प्लस पाई बाई टू, माइनस आई स्क्वेयर होगा, माइनस आई स्क्वेयर मतलब प्लस, तो ई की पावर पाई बाई टू, ई की पावर पाई बाई टू ये आएगा आपका. तो अब मेरे को लॉग निकालना है, लॉग ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ सिंपली ई की पावर पाई बाई टू निकालना है, दैट विल बी सिंपली साइन ऑफ पाई बाई टू, दैट इज कमिंग टू बी वन. सो फाइनली दिस इज वन. तो कैसे हमने यूज किया आइलर फॉर्म को, कि एज वी नो दैट ई टू द पावर आई पाई बाई टू इज आई, सो देयरफॉर आई की पावर माइनस आई इज नथिंग बट ई की पावर आई पाई बाई टू की पावर माइनस आई, दैट इज ई टू द पावर पाई बाई टू विच इज द रियल नंबर. कोई इशू नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे खत्म हो जाता है. तो साइन ऑफ लॉग ऑफ ई टू द पावर पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू सामने आ जाएगा, लॉग ऑफ ई वन होता है,
ठीक है, सो साइन ऑफ पाई बाई टू, सिंपली साइन ऑफ पाई बाई टू इज वन. सो दिस इज ऑल अबाउट दी आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एज वी डिस्कस दैट वी मेनली यूज द आइलर फॉर्म टू फाइंड आउट दी लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड ऑफकोर्स वी कैन यूज दिस आइलर फॉर्म टू फाइंड दी एनी पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज द पोलर फॉर्म एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर बोथ आर वेरी सिमिलर, बिकॉज बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ जेड एल आर्गुमेंट ऑफ जेड.